नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगत जानकारी में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक निकल के सामने आई है, जिसके बारे में पिछले काफी वीडियोस में जो है हम डिस्कशन भी कर चुके हैं और काफी दिन से इस वीडियो को बनाए नहीं जा रहे थे। लेकिन आपको अपडेट बता देते हैं कि हरियाणा पुलिस की जो भर्तियां थी, जिसमें मेल और फीमेल के कॉन्स्टेबल की जो भी भर्तियां निकाली गई थी, जिनके रिजल्ट्स भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक भर्ती प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं किया गया है, तो उसपे एक बहुत बुरी खबर निकल के सामने आ रही है। ये आ रहा है कि हरियाणा पुलिस की सभी मेल और फीमेल भर्तियां जो है वो रद्द की जा सकती हैं, रद्द हो सकती हैं, ऐसा उम्मीद जो है वो लग रहा है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आज को वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लोग वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आप ऑल पे क्लिक करेंगे जितने भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहेंगी वो सब आपको आसानी से पहुंचती रहेंगी। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं, ये लिंक जो आपको दिख रहा है इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, और आप हमें टेलीग्राम पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अपडेट बताते हैं आपको कि हरियाणा पुलिस भर्ती जो भी आप लोगों के फाइनल प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए गए, ज्वाइनिंग के भी बहुत सारी चीजें नहीं कंप्लीट की गई हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी काफी दिनों से प्रोटेस्ट भी चल रही है हरियाणा पुलिस HSSC के तरफ, HSSC ऑफिस के बाहर जगह जगह पे, हरियाणा के बहुत सारे जिलों में जगह जगह पे जो है वो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस भर्ती को फटाफट रिलीज किया जाए और कंप्लीट भी किया जाए। तो इसी संपेक्ष में एक कल आपको बता दें कि कल रोहतक में भी एक रैली निकाली गई थी, जिसमें कि पैदल मार्च निकाला गया था हरियाणा पुलिस परीक्षार्थियों द्वारा, और उसमें कुछ और भी राजनीतिक गुट जुड़े हुए थे, जिसमें की इन्फॉर्मेशन ये बताई जा रही है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यूज का कटिंग जो है यहाँ पे मैंने निकाला है, जिसमें हरियाणा पुलिस परीक्षार्थियों ने रोहतक में निकाला है पैदल मार्च। अभी पैदल मार्च निकालने का कारण क्या था और इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, वो सब भी आपको हम बताएंगे। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हरियाणा पुलिस की भर्तियां जो भी निकाली गई थी पिछले 2021 में, उन सब की सभी भर्तियां कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से काफी बच्चों के नाम जो है वो फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए थे। इस वजह से काफी उथापतल हुआ इस भर्तियों में और वो भर्तियां लगातार टाली गई, फिर कोर्ट में गया, वो हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट की तरफ से स्टे लगा के आगे प्रोसेस को HSSC के ऊपर छोड़ दिया गया था। अब HSSC इस पे क्या कार्रवाई करने वाली है, कल जो मार्च निकाला गया है उसमें ये बताया गया है कि हरियाणा पुलिस की जो भी भर्तियां हैं, बच्चों का यही मांग है कि उसको 11 मई तक जो है वो उनकी मांगे पूरी रखी की जाए और सभी भर्तियों को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए HSSC कोई लेटर जो है अपने वेबसाइट पे छोड़े, मतलब HSSC की तरफ से ये कुछ मांगे जो है वो मांग रहे हैं, तो उस मांगों के लिए कल का जो पैदल मार्च निकाला गया था। अब यहाँ पे उम्मीद ये है कि या तो आप लोग का, देखिए दो तरीके से बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि पेपर रद्द होना चाहिए, इसके मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जिन बच्चों ने पिछले 1-1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम दिया, बहुत सारी प्रोसेसों से गुजरे हैं, तो एग्जाम रद्द नहीं होना चाहिए, और एग्जाम रद्द अगर हुआ है तो होता है तो बहुत ही बहुत बुरी खबर है ये HSSC की तरफ से। लेकिन उम्मीद है कि जैसे कि चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं और बहुत सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए सरकार भी ये चाहती है कि इस मैटर को जितना जल्दी क्लोज कर दिया जाए उतना ही अच्छा रहेगा, तो उम्मीद करते हैं कि 11 मई से पहले या 11 मई के 1-2 दिन बाद तक HSSC कुछ इन्फॉर्मेशन अपने वेबसाइट पे अपलोड करेगी और फटाफट से आप लोगों के रिजल्ट्स जो है, जो भी रुके हुए आपके लोगों के लाइफ फाइनल सिलेक्शन है, उसका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन बतानी थी, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हरियाणा पुलिस से जुड़ी हुई जितनी भी रहेंगी वो सब भी आपको अपडेट हम देते रहेंगे, और लगातार जितनी भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेंगी कि क्या प्रोसेस चल रहा है, कुछ आने वाले वीडियोस में देखते हैं कि क्या क्या और इन्फॉर्मेशन आपको हम बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार फिर से बता दें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके और पे क्लिक करके इंस्टाग्राम और हमें टेलीग्राम पे भी जाकर सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।